A very good afternoon to all, and welcome to this Facebook Live session, which is organized by Cancer Aid and Research Foundation. Cancer Aid and Research Foundation is an NGO which is helping cancer patients. उनकी मदद करता है उनके ट्रीटमेंट में, उनकी जानकारी देने में और उनको फंड्स अरेंज करने में. तो इस एनजीओ ने हमारे पास आके एक रिक्वेस्ट की कि आप बोन कैंसर पे टॉक कर सकते हैं क्या. उनको काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं लोगों से कि बोन कैंसर के बारे में जानने के लिए. तो पिछले हफ्ते मेरे दोस्त डॉक्टर मिशेल पारेख ने एक फेसबुक लाइव किया था ऑन ऑस्टियोसार्कोमा, और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर प्रतीक हेगड़े आज टॉक लूंगा इविंग्स सार्कोमा पे. तो पहले मैं बता दूं मैं कौन हूं. तो मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जन हूं. तो पहले मैंने अपनी ट्रेनिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी में की, और उसके बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से ऑन्को सर्जरी में अलग से ट्रेनिंग करी है, और अभी मैं मुंबई में और उसके आसपास के शहरों में प्रैक्टिस करता हूं. तो आज का हमारा टॉक है ऑन इविंग सार्कोमा, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे. तो इविंग्स सार्कोमा क्या है, आपने बहुत से लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, और उसका कारण ये है क्योंकि इविंग्स सार्कोमा एक तरीके का बोन कैंसर है, और बहुत से लोग उसको अगर अपने पेशेंट्स को समझाते वक्त ताकि उनको आसानी से समझ में आए उसको बोन कैंसर कह देते हैं. बट ये हम आगे इस टॉक में यही देखेंगे कि इविंग्स सार्कोमा में होता क्या है, किस पेशेंट्स में होता है, और किस लोगों में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और आगे जाके इसके सर्वाइवल क्या है. तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो से, एक बोन का कैंसर है, और आज हम देखेंगे इसका डेफिनेशन, यानी कि ये इविंग सार्कोमा होता क्या है, एपिडेमियोलॉजी यानी कि ये किन लोगों में पाया जाता है और किन लोगों में हम इसकी केसेस देखते हैं, स्केलेटल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये शरीर में कौन से हिस्से में होता है और किस हिस्से में फैल सकता है, पैथोजेनेसिस यानी कि ये क्यों होता है, बहुत ही आम सवाल है कि ये हमें क्यों हुआ है, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मतलब कि अगर पेशेंट को इविंग सार्कोमा होता है तो उसे क्या क्या तकलीफ होती है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे उसको पता चले कि शायद ये मुझे इविंग सार्कोमा हुआ. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन यानी क्या क्या जांच हम करेंगे इसके बारे में, ट्रीटमेंट एक बार हमें अगर समझ में आता है कि इविंग सार्कोमा क्या है तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है हमारे पास. दूसरा है उसके बाद प्रोग्नोसिस यानी कि इविंग सार्कोमा होने के बाद बचने के चांसेस कितने हैं, आगे जाने की जिंदगी में आगे जाके कुछ तकलीफ होगी या फिर और कुछ तकलीफ हो सकती है क्या. तो शुरू करते हैं, व्हाट इज इविंग सार्कोमा, इविंग सार्कोमा क्या है. अभी सार्कोमा ये जो शब्द है ये एक तरह का कैंसर है. अभी आप सोचेंगे कि कैंसर क्या है, बहुत सी आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि इसे ये कैंसर हो गया है, उसे वो कैंसर हो गया है. तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो टिश्यू है, जो सेल्स है, वो एबनॉर्मली ग्रो होते हैं और शरीर में फैलने लगते हैं. तो क्या ये ट्यूमर और कैंसर एक होते हैं, तो शरीर में किधर भी गठन हो तो उसे हम ट्यूमर कहते हैं. अभी ये गठन बहुत बार सिर्फ उसी जगह पे रहते हैं और बढ़ती नहीं है, ज़्यादा तकलीफ नहीं देते, जिसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं. और अगर ये बढ़ने लगते हैं, अंदर ही अंदर हड्डी को या मांस को खोखला बनाते हैं, शरीर में फैलने लगते हैं, तो उसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, जिसे कैंसर कहा जाता है. सार्कोमा ये एक कैंसर का प्रकार है, ठीक है. दूसरा प्रकार है कार्सिनोमा. कार्सिनोमा आपके लंग्स में, इंटेस्टाइन में, ब्रेस्ट में, ऐसे जगहों पे होता है, जबकि सार्कोमा आपकी हड्डी या मांसपेशियों में होता है. तो सरल भाषा में कहें तो सार्कोमा ये एक तरह का कैंसर है जो आपकी हड्डी और मांसपेशियों को अफेक्ट करता है. टेक्निकल भाषा यूज करें तो इसमें छोटे छोटे स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स होते हैं, अगर इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो. और ज़्यादातर केसेस में ऐसे पाया गया है कि एक क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, एक म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से उस सेल या टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और वो फैलने लगता है. अब ये इविंग शब्द क्या है, इविंग कौन थे,
थे इविंग वो जनाब थे जिनका पूरा नाम था जेम्स स्टीफन इविंग। ये एक अमरीकी पैथोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने 1919 में एक किताब लिखी थी ऑन नियोप्लास्टिक डिजीज, अ टेक्स्ट बुक ऑन ट्यूमर्स। और उसी के चलते 1921 में इन्होंने एक ट्यूमर का वर्णन किया था जो हड्डियों में पाया जाता है और जो रेडिएशन को काफ़ी सेंसिटिव है, रेडिएशन से वो पिघल जाता है। उस समय इसके पहले सिर्फ एक ऑस्टियोसार्कोमा जानते थे लोग कि ये एक हड्डी का ट्यूमर है और ऑस्टियोसार्कोमा पे रेडिएशन का असर नहीं होता है। तो इन्होंने इस ट्यूमर का, नए ट्यूमर का वर्णन किया जिससे हड्डियों में से आता तो है बट उस पर रेडिएशन का असर भी होता है। आगे जाके इस ट्यूमर पे उनका नाम आ गया है, इविंग सार्कोमा। दुर्भाग्यवश वो खुद ब्लैडर कैंसर के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इविंग सार्कोमा के टाइप्स क्या है, क्या अलग अलग टाइप के इविंग सार्कोमा है? तो उनको एक इविंग सार्कोमा ग्रुप बना दिया गया है जिसको कहते हैं इविंग सार्कोमा फैमिली ऑफ ट्यूमर्स, जिसमें इविंग सार्कोमा आता है जो हड्डियों में से निकल आता है। ये आपके पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, छाती की हड्डी में से भी आ सकता है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा स्केलेटल इविंग सार्कोमा। एक्स्ट्रा स्केलेटल ये शब्द है मतलब हड्डी के बाहर। तो यही बीमारी जब मांसपेशियों में आने लगती है तो उसे एक्स्ट्रा स्केलेटल इविंग सार्कोमा कहते हैं। उसी तरह का एक और ट्यूमर का टाइप होता है PNET, यानी प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर। ये हाल ही में काफ़ी खबरों में या न्यूज़ में आया था क्योंकि लेट इरफान खान को इसके डायग्नोसिस हुआ था, बट उन्होंने उसके बारे में डिटेल्स ज़्यादा बताए नहीं थे, बट लोगों ने काफ़ी उसके बारे में इस वक्त पे सुना था। उसके बाद होता है एस्किन्स ट्यूमर, यानी कि जो चेस्ट वॉल होता है, चेस्ट वॉल में अगर इविंग सार्कोमा जैसी बीमारी आए तो उसे हम अलग से एक नाम देते हैं एस्किन ट्यूमर, क्योंकि उसका फिर बिहेवियर थोड़ा अलग हो जाता है, ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो जाता है। अब आते हैं एपिडेमियोलॉजी, किस लोगों में होता है, किस पेशेंट्स में देखा जाता है। तो ये सेकेंड मोस्ट कॉमन बोन ट्यूमर है बच्चों में। सबसे कॉमन जैसे कि हमने पिछले हफ्ते देखा था इज ऑस्टियोसार्कोमा, बट सेकेंड मोस्ट बोन ट्यूमर बच्चों में होता है इविंग सार्कोमा। ओवरऑल अगर आप देखें कैंसर के इंसिडेंस, बोन कैंसर्स के इंसिडेंस, तो सबसे कॉमन होता है मेटास्टैटिक बोन ट्यूमर्स। मेटास्टैटिक बोन ट्यूमर्स मतलब ट्यूमर का ओरिजिन किसी और ऑर्गन से होता है और वो फैल के हड्डी में आता है। ये लंग कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, थायराइड कैंसर हो सकता है, जो फैल के हड्डी में आता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो ट्यूमर हड्डी का हम देखते हैं वो मेटास्टैटिक होता है। बट अगर बच्चों में देखें तो बच्चों में सबसे कॉमन होता है ब्लड का कैंसर, ल्यूकेमिया जिसको कहते हैं। बट हड्डी का सबसे कॉमन बच्चों में होता है ऑस्टियोसार्कोमा और उसके बाद आता है इविंग सार्कोमा का नंबर। इविंग सार्कोमा 2% ऑफ ऑल द कैंसर्स इन चाइल्डहुड, उसका हमने स्टडीज में पाया गया है। इसको कॉमनली 5 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप में देखा गया है। जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है 5 to 15 ईयर्स के एज में रहते हैं। इससे कम उम्र में भी हमने लोगों को होते हुए देखा है, इससे ज़्यादा उम्र में भी होते हुए देखा है, बट मेजॉरिटी लोग इस एज ग्रुप में आते हैं 5 to 15 ईयर्स। स्लाइटली मेल पॉपुलेशन में थोड़ा ज़्यादा पाया गया है, 1.5:1 के रेशियो में अगर हम देखें लेते हैं। अब हम जाएंगे कि हड्डियों में लोकेशन में कहाँ पे आता है। यहाँ पे आप दो डायग्राम देख सकते हैं, आपके राइट साइड पे है एक चाइल्ड, एक बच्चे का पैर, जांग की जो था बोन होती है फीमर बोन, उसका डायग्राम है, और बाजू में एक एडल्ट का डायग्राम है। आप देख सकते हैं हड्डी के तीन पार्ट्स है। जो मेन शाफ्ट वाला पार्ट है उसको डायाफाइसिस कहते हैं, जो ग्रोइंग हैंड है जो जॉइंट की तरफ होता है उसे हम एपिफाइसिस कहते हैं, ठीक है। और वहां पे आप देख सकते हैं ग्रोथ प्लेट होता है जहां से ग्रोथ बढ़ती है, जहां से वो पैर बन रहे होता है, हाइट बढ़ती है। इविंग सार्कोमा जो है ज्यादा करके डायाफाइसिस और एपिफाइसिस से जस्ट ऊपर मेटाफाइसिस एरिया में पाया जाता है। जब एडल्ट हो जाते हैं, जब ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद एपिफाइसिस नहीं बचता है, सिर्फ डायाफाइसिस मेटाफाइसिस रह जाता है। तो ये उस एरिया में इसको ज्यादा करके हमने पाया है। अब शरीर के कौन से हड्डी में इसका ज्यादा प्रेवलेंस है, ज्यादा इसे पाया जाता है? तो घुटने के पास में। आप देखें घुटने के पास जो फीमर बोन है, टिबिया बोन है, उसमें ज्यादा करके हम इस बीमारी को देखते हैं, क्योंकि ये बच्चों की ग्रोइंग एंड है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट उनको मिलती है। तो यहाँ पे
काफी सेल्स का डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ताकि वो बढ़े, हाइट बढ़े, और इस चक्कर में कभी कभी कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है जिसकी वो कैंसर की तरफ रुख ले लेती है। इसलिए बहुत सारे कैंसर्स घुटने के पास हम देखते हैं। तो ये इविंग सार्कोमा भी घुटने के पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। सेकेंड बहुत ही कॉमन कॉज है पेल्विस के यहाँ पे, और पेल्विस के यहाँ पे अगर हो जाए तो दिक्कत ये होती है कि वो अंदर ही अंदर बढ़ता है और पेशेंट को लेट समझ में आता है। इसलिए पेल्विस एक थोड़ी खतरनाक जगह है जहाँ इविंग सार्कोमा हो सकता है। उसके बाद कॉमनली रिब्स में भी पाया जाता है या स्पाइन में भी पाया जाता है। अब इविंग सार्कोमा फैल सकता है शरीर में, खून के जरिया फैलता है बहुत ज्यादा करके, और मेजोरिटी टाइम्स लंग्स में पाया जाता है फैलने के बाद। बहुत से केसेस में लंग्स के अलावा वो बोन में भी फैला जाता है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी कि ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। अभी आते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में कि क्यों होता है। कुछ बहुत से पेशेंट्स हमको पूछते हैं कि सर ये हमें क्यों हुआ, मुझे ही क्यों हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हमारे पास इसका जवाब नहीं है कि ये क्यों हुआ। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि चोट लगने के कारण तो उन्होंने एक्सरे कराया और एक्सरे में उनको दिख गया कि ये कुछ तो एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि शायद चोट लगने के कारण हमको ट्यूमर हो गया है, तो ये सही नहीं है। शायद ट्यूमर उधर था, चोट लगने के कारण आपने जांच कराई और उस जांच करने के वजह से आपको समझ में आया कि उस जगह पे ट्यूमर है, पर चोट लगने के कारण ट्यूमर नहीं होता है। इविंग सार्कोमा में ये पाया गया है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि एक म्यूटेशन होता है इविंग सार्कोमा सेल्स में, जो क्रोमोजोम 11 का एक टुकड़ा क्रोमोजोम 22 पे चला जाता है। इससे एक नया डीएनए जनरेट होता है जिसके कारण एक एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, और उस प्रोटीन के चलते उस ट्यूमर का एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। इसके कारण वो ग्रोथ कंट्रोल में ना रहकर बढ़ते जाता है। तो इसके चलते हमको बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सर ये हमारे माँ बाप से हमको आया है या हमसे हमारे बच्चों को हो सकता है क्या। तो जी नहीं, ये जेनेटिक फैमिलियल नहीं है, ये ट्रांसमिट नहीं होता है, ये सिर्फ उस कैंसर सेल में चेंजेस हुए हैं, उस लिमिटेड एरिया में म्यूटेशनल चेंजेस हुए हैं, इसके कारण कैंसर ग्रोथ होता है, ना कि शरीर के सब सेल्स में। और ये ट्रांसमिट नहीं होता है फ्रॉम वन फैमिली मेंबर टू अदर। अभी नेक्स्ट प्रश्न की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, हमें समझ में कैसे आएगा कि हमें इविंग सार्कोमा हुआ है, क्या होते हैं हमारे सिम्टम्स। तो बहुत से कॉमनली बात सिम्टम्स होते हैं पेन या दर्द, पेशेंट को उस जगह पे दर्द होता है, वो वजह नहीं जानते कि क्यों हो रहा है कुछ, और पर दर्द होने लगता है। काफी बार अगर ये ट्यूमर अंदर ही अंदर बढ़ गया हो और हड्डी को नाजुक कर दिया हो तो उनको फ्रैक्चर भी हो सकता है, और उस फ्रैक्चर के चलते वो एक्सरे करते हैं और एक्सरे की वजह से हमको फिर पता चलता है ये हिस्सा एबनॉर्मल सा है। अगर ट्यूमर बहुत बढ़ जाए तो स्वेलिंग या एक गठन जैसी नजर आती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स फिर आप ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं। कैंसर में, किसी भी कैंसर में बहुत से बार ऐसे पाया गया है क्योंकि एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है एक सेल की, एक एबनॉर्मल प्रक्रिया चल रही है बॉडी में, तो आपका जो पूरा एनर्जी है उस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है और आपका जनरल बॉडी अपियरेंस कम हो जाता है, वीक लगने लगते हैं, वेट लॉस होता है पेशेंट को। इसके कारण पेशेंट कमजोर होता है, फटीग हो जाता है। कई बार हमने देखा है बच्चों में कि उनको फीवर आने लगता है, और क्योंकि फीवर आता है, दर्द है, तो बहुत बार इसको जनरल प्रैक्टिशनर्स जो है या फिर जो डॉक्टर्स ट्रेंड नहीं है उनको लगता है ये इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक शुरू करते हैं, और इसके ट्रीटमेंट डिले हो सकता है। तो बोन इन्फेक्शन ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर होता है इस बीमारी में, क्योंकि प्रेजेंटेशन दोनों के सेम है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है, फीवर होता है, बट आगे की जांच पूरी करने पर ही हमको बोल सकते हैं कि ये बोन इन्फेक्शन है या ट्यूमर है। तो हम कैसे जाने कि ये क्या है, तो उसके लिए पहले तो आपको अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अभी ये बहुत सी बार ऐसे होता है कि डायरेक्टली पेशेंट ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जन के पास ना आए, वो अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाए या फिर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए। तो सबसे पहले चीज जो ये फैमिली डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर करते हैं वो है एक हिस्ट्री पूछते हैं, मतलब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब से शुरू है,
कितने टाइम से है, कैसे शुरू हुआ, क्या तकलीफ दे रहा है, जिसको हम हिस्ट्री टेकिंग बोलते हैं, इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि ये क्या हो सकता है और किस दिशा में हमको आगे की जांच करनी है। उसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होगा कि उस जगह का एक एक्सरे कराएं। ठीक है, अगर हमको पेशेंट आता है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गठन है, बुखार है, तो हम एक्सरे पहले कराते हैं, बाकी के टेस्ट बाद में कराएंगे। एक्सरे में हमें क्या नजर आता है? ये एक पेशेंट का एक्सरे है जो हमने दिखाया, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक गठन सी दिख रही है हड्डी के आसपास, और हड्डी का जो एरिया है, जो हिस्सा है ऊपर, ऊपरी हिस्सा, वो एबनॉर्मल सा दिख रहा है। एक और हम एक्सरे देखते हैं, ये घुटने के पास का एक्सरे है, और आप देख सकते हैं कि इस जगह पे थोड़ी गठन है और थोड़ा दूसरी जगह से अलग दिख रहा है, थोड़ा ज्यादा ही वाइट दिख रहा है, वहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। इस एक्सरे को अगर हम देखें, ये भी घुटने का एरिया है और यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है, उस बीमारी की वजह से हड्डी नाजुक हो गई है और हल्के से चोट के कारण फ्रैक्चर हो जाता है। ये फ्रैक्चर अलग होता है एक एक्सीडेंट वाले कारण से फ्रैक्चर होना, ये फ्रैक्चर होता है क्योंकि हड्डी नाजुक है, तो इसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं, जो हल्के से चोट से फ्रैक्चर हो जाता है। तो फिर हमें उसी वक्त समझ में आता है कि शायद हड्डी में कुछ तकलीफ है जिसके कारण ये फ्रैक्चर हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, स्पाइन में भी होता है, स्पाइन के पूरे हिस्से को डिस्ट्रॉय करके एकदम पतला सा बना देता है। ये जो अपियरेंस है जिसके कारण एक्सरे पे हमको ऐसे लेयर्स दिखाई देते हैं, जिसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं, जो हड्डी का एक नॉर्मल सा लेयर होता है, बीमारी के कारण वो स्प्रेड आउट होता है, फिर बाद में और स्प्रेड होता है, तो उसके ऐसे एक लेयर्स बन जाते हैं जो एक अनियन या कांदे के कट किए हुए छिलके जैसे दिखते हैं, तो इसके लिए उसको नाम दिया गया है अनियन पील अपियरेंस। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है इलिंग सार्कोमा के, और बहुत बार इसके कारण हम एक्सरे पे भी बता सकते हैं कि ये शायद आपको कैंसर की बीमारी हो गई है। एक बार हम एक्सरे कराए और एक्सरे में हमको लगा कि शायद कुछ एबनॉर्मल है, शायद कोई बीमारी है, तो हम अगले टेस्ट की ओर जाते हैं, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई। एमआरआई में हम क्या देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है एक पेशेंट का। तो एमआरआई में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से उसी हड्डी को चेक करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि हड्डी के बाहर फैलाव कितना हुआ है। एक्सरे में हमको हड्डी बहुत अच्छे से दिखाई देती है, बट मांसपेशियां इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती, तो यहाँ पे हम हड्डी के अलावा मांसपेशियों को भी देख सकते हैं और कितना फैलाव है हड्डी के अंदर उस बीमारी का। अगर आप एकदम राइट साइड पे देखें तो वहां पे एरो दिखाया है, जो भी एरो है वो सब बीमारियां हैं, और उससे हमको ये भी पता चलता है कि जो पैरों की नस होती है उससे बीमारी कितनी दूर है, इससे हमको अंदाजा मिल जाता है कि ये इसका आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा और इसको हम क्या सर्जरी करेंगे। एक्सरे और एमआरआई होने के बाद अगर हमको जरा सा भी डाउट हो तो हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी, जैसे आपने पिछले हफ्ते के टॉक में सुना होगा, कि हम उस जगह से टुकड़ा निकालते हैं जांच के लिए। अब ये टुकड़ा निकालने के काफी अलग अलग तरीके होते हैं, निडल बायोप्सी होता है, ओपन बायोप्सी होता है, इमेज गाइडेड होता है। अब निडल बायोप्सी के लिए हम एक स्पेशल तरीके का निडल सुई बड़ी से यूज करते हैं, जिसका नाम है जमशेदी निडल। अब इस निडल को हम हड्डी के उस हिस्से में डालते हैं जहाँ पे बीमारी है, और एक हड्डी का टुकड़ा निकालते हैं जांच के लिए। ओपन बायोप्सी में क्या है, हम एक चीरा मार के टुकड़ा निकालते हैं, और इमेज गाइडेड में यही चीज बायोप्सी की हम सोनोग्राफी में देख के या सीटी स्कैन के अंदर देख के करते हैं। पहले के जमाने में ओपन बायोप्सी हुआ करते थे, आजकल क्योंकि निडल बायोप्सी से हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे हैं, तो हम निडल बायोप्सी करते हैं, जिससे पेशेंट को भी तकलीफ कम हो और हमको रिजल्ट्स भी मिल जाए। इमेज गाइडेड हम तब करते हैं जब बीमारी बहुत अंदर के हिस्से में हो, या फिर उसके पास में एक पैरों की नस हो जिसको खतरा हो सकता है, तो फिर उसको हम देख के उसमें से उसको बचा के उसमें से एक टुकड़ा निकालते हैं, तो उसको हम इमेज गाइडेड बायोप्सी बोलते हैं। अब ये बायोप्सी करते क्यों है? ताकि हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देख सकें। यही चीज जेम्स इविंग्स, जो अमरीकी पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किया था, उन्होंने बायोप्सी की थी, जांच किए थे, उसके से वो इसका वर्णन कर पाए। अब ये एक चित्रात्मक दृश्य है, जो फीमर हड्डी के ऊपर एक ट्यूमर का डायग्राम जैसा बनाया है, जो
ट्यूमर है वो हड्डी के बाहर आप देख सकते हैं आ गई है, और उसी हिस्से से हम टुकड़ा निकाल के जांच करते हैं, जो माइक्रोस्कोप के अंदर हमको नीचे वाले चित्र की तरह दिखता है, जहाँ पे नीले नीले डॉट, जैसे हमने शुरुआत में किया था, स्मॉल राउंड सेल्स, ब्लू राउंड सेल्स इसको कहते हैं। और पैथोलॉजिस्ट फिर इसको देख के हमको बताते हैं कि ये इविंग सार्कोमा जैसे लग रहा है। अब बायोप्सी करना जरूरी क्यों है? हम सिर्फ एक्सरे पे क्यों नहीं या एमआरआई पे सिर्फ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इविंग सार्कोमा जैसे ही दिखने वाले बाकी सब बीमारियां भी होती हैं, और इन सबका ट्रीटमेंट अलग होता है। जैसे कि स्मॉल सेल ऑस्टियोसार्कोमा है, ये ऑस्टियोसार्कोमा का ही एक प्रकार है जो दिखने में इविंग सार्कोमा जैसा है, बट उसका बिहेवियर ऑस्टियोसार्कोमा है, तो उसका ट्रीटमेंट फिर अलग हो जाता है। वैसे ही मेसेनकाइमल कॉन्ड्रोसार्कोमा है, कॉन्ड्रोसार्कोमा एक और एक अलग तीसरे प्रकार का बोन कैंसर है, जो बच्चों में कम पाया जाता है, थोड़े ज़्यादा उम्र के लोगों में पाया जाता है, बट उसका जो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखावट है वो इविंग सार्कोमा जैसी है। फिर हमको फिर माइक्रोस्कोप और एक्सरे, एमआरआई, ये तीनों को जांच साथ में करके हमको पता चलता है कि ये क्या बीमारी है। तीसरा जो है लिम्फोमा, जो एक ब्लड रिलेटेड कैंसर है, ये भी इविंग सार्कोमा से काफ़ी मिलता जुलता है, और ये दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। इसलिए हमको बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको पता चले कौन सी बीमारी है और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। और लास्ट में जैसे मैंने कहा कि ऑस्टियोमाइलाइटिस या बोन इन्फेक्शन, क्योंकि पेशेंट आता है पेन, स्वेलिंग, फीवर, तो बहुत बार ऐसे लोगों को लगता है कि ये शायद इसको बोन का इन्फेक्शन हो गया, और एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। इसमें क्या हो जाता है, अगर समझो ये इन्फेक्शन ना हो और सार्कोमा हो, तो इससे ट्रीटमेंट डिले हो जाता है और बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ जाती है। अगर हम पहले ही जांच कर ले, एक्सरे, एमआरआई, बायोप्सी कर ले, और हमको पता चले कि ये इविंग सार्कोमा है, तो हम उसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर सकते हैं। अगर बायोप्सी के बाद भी हमको लगे कि ये इन्फेक्शन है, तो हम फिर ट्रीटमेंट उसका श्योर कर सकते हैं शुरू, ये जान के कि हाँ ये एटलीस्ट सार्कोमा नहीं है। अभी हमको एक बार ये समझ में आया कि ये इविंग सार्कोमा है, एक कैंसर है जो हड्डी पे आ गया है, तो अगला स्टेप होता है कि ये जानना कि ये शरीर में और किधर फैलाव है इसका। ये इसके लिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर समझो सिर्फ लोकली इसका प्रभाव है, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है, और अगर शरीर में और किधर फैलाव है, तो उसमें ट्रीटमेंट में हमको थोड़े बदलाव करने होते हैं। तो ये शरीर में फैलाव किधर है, जैसे कि हमने पहले देखा कि ये लंग्स में काफ़ी कॉमनली पाया गया है, तो इसलिए हम थोरेसिक सीटी स्कैन करते हैं, जो आजकल आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कोविड के चक्कर में, क्योंकि कोविड लंग्स में जाता है, तो लंग्स की जांच करने के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं। ये वही स्कैन है जो हम इविंग सार्कोमा भी करते हैं, ताकि ये जाने कि लंग्स में इसका फैलाव हुआ है या नहीं। और अगर आप देखें यहाँ पे जो रेड एरो है, वो एक बीमारी सा दिखा रहा है लंग्स के अंदर, तो फैलाव हो सकता है किधर और से। ये तो हमने सिर्फ छाती का स्कैन किया, बाकी हिस्से का क्या? तो उसके लिए हम एक चीज करते हैं जिसका नाम होता है बोन स्कैन। बोन स्कैन में क्या होता है, वो आपके शरीर में एक इंजेक्शन देते हैं, एक डाई देते हैं, और फिर पूरी बॉडी का एक स्कैन करते हैं, ताकि हमको पता चले कौन से हिस्से में जाके इसका अपटेक हुआ है। जिस हिस्से में बीमारी है, वहां पे थोड़ा ज्यादा वो डाई चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये चार बोन स्कैन्स हैं। सबसे पहला जो बोन स्कैन है आप देखेंगे वो एकदम वाइट है, वो नॉर्मल बोन स्कैन है, मतलब ये किसी भी हड्डी में जाके इसका फैलाव नहीं है। जो सेकेंड वाला है, उसमें आप एक एरो भी देख सकते हैं, पेल्विस एरिया में इसमें जाके डाई थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तीसरे में आप देख सकते हैं स्पाइन पूरा इन्वॉल्व लग रहा है, तो ये पूरे स्पाइन में छोटे 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 बीमारियाँ फैलाव है, जो हमको बोन स्कैन से पता चल जाता है। और चौथे इसमें आप देख सकते हैं कि कंधे के यहाँ पे आपको एक डायग्राम छोटा सा दिखेगा डॉट, जिसका मतलब है उस एरिया में डाई ज्यादा गया है और उस एरिया में बीमारी है। आजकल सीटी स्कैन और बोन स्कैन को कंबाइंड करके एक नया स्कैन आया है, जिसका नाम है एफडीजी पेट स्कैन। पेट स्कैन में क्या है, बोन स्कैन जैसी, उसमें भी आपको एक इंजेक्शन देते हैं, और ये देखते हैं कि वो इंजेक्शन कहाँ पे जाके ज्यादा उसका इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक हमने स्कैन लिया है, तो अगर जो एकदम ब्राइट एरियाज दिखते हैं, वहाँ पे वो इंजेक्शन का इफेक्ट ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा उसका जमाव हुआ है, और वो बीमारी वाला हिस्सा हो सकता है। इसके कारण हम अभी पेशेंट्स को, अगर हमको अलग से दो तीन स्कैन नहीं कराने, तो एक पेट स्कैन करके कॉमनली करा देते हैं,
और ये इविंग सार्कोमा के अलावा काफी अलग कैंसर्स में भी इसका उपयोग होता है। इससे हमको पूरे शरीर का एक स्कैन हो जाता है और पता चल जाता है कि कहाँ पे बीमारी हो सकती है। बट ये स्कैन सिर्फ आपके डॉक्टर के कहने पर ही कराएं और ऐसे ही अपने मन मुटाव से ना कराएं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि चेस्ट के यहाँ पे आपको एक छोटा सा अपटेक ज्यादा दिखेगा, ज्यादा ब्राइट एरिया दिखेगा, उससे हमको थोड़ा आइडिया जाता है कि कहाँ कहाँ बीमारी हो सकती है। अभी आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। अभी हमको पता चल गया है कि ये इविंग सार्कोमा है, शरीर में इसका कितना फैलाव है, तो अभी अगला होता है कि ट्रीटमेंट क्या करें हम इसका। तो मैनेजमेंट जो है एक टीम वर्क है। अभी आप सोचेंगे कि हमने इस डॉक्टर के पास गए तो सिर्फ ये हमको दूसरे डॉक्टर के पास क्यों भेज रहे, तो क्योंकि ये सार्कोमा एक आसान सा बीमारी नहीं है, इसको टीम वर्क की जरूरत होती है। और इस टीम में कौन कौन होते हैं? एक ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जन होते हैं जो आपकी सर्जरी में भाग लेते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट बच्चों में जो कीमोथेरेपी का हिस्सा देखते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो रेडिएशन, जैसे एविंग ने डिस्क्राइब किया था कि ये रेडिएशन से पिघलने वाला ट्यूमर है, तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी इस टीम का हिस्सा होता है। पैथोलॉजिस्ट जो माइक्रोस्कोप के अंदर देख के इसको कहते हैं कि ये बीमारी इविंग सार्कोमा है, वो भी इस टीम का हिस्सा होता है। रेडियोलॉजिस्ट जो MRI, एक्सरे, पेट स्कैन ये सब की रिपोर्ट्स हमें देते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये ऑपरेशन के बाद पेशेंट के रिहैबिलिटेशन में मदद करते हैं। तो ये सब मिलके एक टीम वर्क होता है, सबका मिलजुल के एक डिसीजन होता है कि इस दिशा में हमको ट्रीटमेंट को ले जाना है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है? नॉर्मली इविंग सार्कोमा में पहले हम कीमोथेरेपी देते हैं। ये सर्जरी के पहले का कीमोथेरेपी है जिसको इंडक्शन कीमोथेरेपी कहते हैं। ये कीमोथेरेपी 9 से 12 हफ्ते चलती है। इसके बाद हम इसका रिस्पॉन्स देखते हैं नए एक्सरे और MRI करके। अगर अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है, बीमारी कम हो गई है, तो हम फिर लोकल ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ये जो लोकल ट्रीटमेंट होता है ये ज़्यादा करके सर्जरी होती है। कभी कभार हम सर्जरी के साथ साथ रेडिएशन भी प्लान करते हैं क्योंकि इविंग सार्कोमा को रेडिएशन का अच्छा इफेक्ट होता है। रेडिएशन से बहुत जल्दी कम हो जाता है, पिघल जाता है, तो रेडिएशन भी काफ़ी असरदार है। कभी कभी हमने देखा है कि कुछ जगहों पे सर्जरी हम नहीं कर पाते क्योंकि बीमारी इतनी बड़ी है या नस के इतने करीब है कि सर्जरी करना मुश्किल है, तो उस स्थिति में हम रेडिएशन का हेल्प लेते हैं। सर्जरी और रेडिएशन के बाद हम एक और साइकिल कीमोथेरेपी देते हैं जिसको मेंटेनेंस कीमोथेरेपी कहते हैं, जो 6 से 7 महीने चलती है अलग से। इतना आप बोलेंगे क्यों देना जरूरी है? क्योंकि जैसे हमने देखा है इविंग सार्कोमा लोकली तो बढ़ता ही है, शरीर में भी फैलता है, और ये शरीर में फैलाव को रोकने के लिए हमको कीमोथेरेपी देना पड़ता है। तो शुरुआत जैसे कि मैंने कहा हम कीमोथेरेपी से करते हैं। कीमोथेरेपी को अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये IV ड्रग्स ही है, बट थोड़े स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होते हैं जो कैंसर सेल्स को जाके इफेक्ट करते हैं, और क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती है तो इनके साइड इफेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसी कारण हमको एकदम श्योर होना पड़ता है कि इविंग सार्कोमा है, इसके पहले कि हम ट्रीटमेंट शुरू करें। ये साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? कुछ लोगों को क्योंकि आपके सेल्स को ये बढ़ने से रोकता है तो बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं हेयर लॉस होता है, फिर स्किन या हैंड्स वगैरह हाइपर पिगमेंटेशन होने लगते हैं, शरीर में वीकनेस सी आ जाती है। तो इसके आपका डाइट और न्यूट्रिशन इस दौरान अच्छे से रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको जितनी मदद मिल सके इस बीमारी से लड़ने में मिले। तो कीमोथेरेपी एक स्ट्रॉन्ग दवाई है जो हम इंजेक्शन से देते हैं। आजकल कुछ कुछ कैंसर्स में टैबलेट्स भी आते हैं जो कीमोथेरेपी में चलते हैं, बट इविंग सार्कोमा में हम ज़्यादा करके इंजेक्शंस यूज करते हैं। ये इंजेक्शंस आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि क्या देना है, कैसे देना है, और आपके सर्जन्स के साथ मिलके वो प्लान करते हैं कि हम इतने दिन कीमो देंगे। उस कीमो के बाद हम उसका इफेक्ट देखते हैं। बहुत बार मेजॉरिटी टाइम्स अच्छा रिस्पॉन्स होता है इविंग सार्कोमा का कीमोथेरेपी से, बट समझो इफेक्ट नहीं हो रहा है, बीमारी कम नहीं हो रही है, तो हमको फिर सर्जरी प्लान करना पड़ता है जो नेक्स्ट स्टेप है।
तो सर्जरी में हम क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। सर्जरी में पहले के जमाने में अगर किसी को कहा कि सार्कोमा है तो एक ही सर्जरी वो लोग कहते थे एम्पुटेशन, ये पैर या हाथ आप निकाल दो अब बच जाओगे। तो एम्पुटेशन बीमारी कौन से जगह पे है उसके हिसाब से होती है। फुट एम्पुटेशन होता है, घुटने के नीचे पैर काटना है, घुटने के ऊपर काटना है, ये बीमारी का फैलाव कितना है इस पे डिसाइड होता है। बट क्योंकि आजकल इतने एडवांसमेंट्स आए हैं, कीमोथेरेपी में भी चेंजेस आए हैं जिससे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कीमोथेरेपी को, एमआरआई से हम बता सकते हैं बीमारी एग्जैक्टली कहाँ तक है, और सर्जिकल टेक्निक्स में भी इतने इम्प्रूवमेंट्स आए हैं कि एम्पुटेशन बहुत बार लास्ट रिजॉर्ट हो जाता है, या फिर हम बिल्कुल ही बचा नहीं पाए तो करते हैं, वरना हम ज़्यादा करके कोशिश करते हैं कि वो हाथ या पैर हम बचा पाए। एम्पुटेशन के बाद आजकल के प्रोसेसेस काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो समझो किसी पेशेंट्स को अनफॉर्चुनेटली एम्पुटेशन लगा तो उसके बाद के रिहैबिलिटेशन के अच्छे प्रोसेसेस आजकल अवेलेबल है। बट जैसे कि मैंने कहा, हम लोग मेजॉरिटी करके एम्पुटेशन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और लिम्ब सेविंग सर्जरीज जिसको कहते हैं लिम्ब सर्वेज सर्जरीज वो करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़े एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमने पूरे पूरे हाथ के हड्डी को रिप्लेस किया है एक मेटल वाली हड्डी के साथ साथ, यहाँ पे जांघों के पैर का ऊपरी हिस्सा निकाल के अलग सा एक प्रोस्थेसिस डाल दिया या इम्प्लांट डाल दिया हो। कॉमनली घुटने के पास देखा जाता है तो हम लोग ने घुटना बदली का ऑपरेशन भी किया है, तो क्योंकि ये छोटी उम्र में होता है तो हमको इसको आगे जाके अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है, बट इसके कारण पेशेंट का पैर बच जाता है और पेशेंट चल फिर सकता है। इसके अलावा भी अलग सर्जरीज है जहाँ पे सिर्फ बीच का हिस्सा जो हड्डी का है उतना अफेक्टेड उतना निकाल के हम सीमेंट के साथ प्लेट बिठा सकते हैं, सीमेंट के साथ रॉड बिठा सकते हैं जिसको इंटरकैलरी रिसेक्शन कहते हैं। समझो सर्जरी नहीं हो पाती या बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि हमको सर्जरी करने में दिक्कत हो सकती है, सर्जरी में पूरा पूरा पैर निकालना पड़ सकता है, तो ये रेडिएशन बहुत अच्छा ऑप्शन है इविंग सार्कोमा में। जैसे हमने कहा रेडिएशन से बीमारी काफ़ी पिघल जाती है, तो रेडिएशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो एक रेडिएशन में आपके पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, फिर एक बड़ी सी मशीन होती है जिसके थ्रू एक्सरेज जो होते हैं वो हम डायरेक्ट करते हैं एक बीमारी वाले हिस्से पे ताकि वो फोकस्ड वहाँ पे एक्सरेज चले जाए और उस बीमारी को नष्ट करें। इसको साइकिल्स में देते हैं, एक साथ बड़ा सा डोज बहुत ही रेयरली देते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर करके देते हैं क्योंकि रेडिएशन के उसके अलग से साइड इफेक्ट्स होते हैं। अभी हमने इंडक्शन कीमो करा लिया, पैर बचाने की सर्जरी कराई या रेडिएशन कराए, उसके बाद जैसे मैंने कहा मेंटेनेंस कीमोथेरेपी देना पड़ता है। मेंटेनेंस कीमोथेरेपी देने के बाद एक बार शरीर से पूरा बीमारी निकाल दे, उसके बाद समझो अगर लंग में बीमारी फैली हो तो हम लंग को भी रेडिएशन देते हैं। उसके बाद हमको बहुत ही ज़रूरी होता है फॉलोअप रखना। फॉलोअप यानी कि हर 3 या 6 महीने में आपको वापस से एक्सरेज करके देखना हो या एमआरआई और सीटी स्कैन करके देखना पड़ता है ये जानने के लिए कि ये बीमारी कहीं वापस तो नहीं आई है, क्योंकि इविंग सार्कोमा या कैंसर इन जनरल में वापस आने का खतरा बहुत रहता है। हमें जो बीमारी दिखती है या बीमारी जो फैलाव है वो हम निकाल सकते हैं, बट क्योंकि चेंजेस हो गए हैं एक बार तो वापस होने के चांसेस भी होते हैं, तो इसलिए हमको उनको स्ट्रिक्ट फॉलोअप रेजिम पे रखना पड़ता है जहाँ पे हम हर 3 महीने या 6 महीने में उनको बुला के एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं या फिर सीटी स्कैन कराते हैं, ये देखने के लिए कि उनका रिस्पॉन्स कैसा है, आगे जाके उन्होंने क्या ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है नहीं है। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, अभी इविंग सार्कोमा हम जानते हैं कि 100 में से 60 to 70% लोगों 5 years तक सर्वाइव कर जाते हैं, तो ये जो 30% है जो 5 years तक सर्वाइव नहीं कर पाते ये कौन लोग हैं और ये हम कैसे जान सकते हैं। जिनको सेंट्रल लीजन्स है यानी कि स्पाइन में या पेल्विस में जिनको लीजन्स है उनके रिस्क सर्वाइवल के थोड़े कम हो जाते हैं। एज ग्रेटर देन 15 years में अगर आपको हो तो ये पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर माना जाता है क्योंकि
कम उम्र में बॉडी फाइट करने की क्षमता ज़्यादा रखती है। अगर शुरुआत में ही बीमारी का साइज बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर्स, तो ये भी एक फैक्टर है जो नेगेटिव में चला जाता है। मेटास्टैटिक लीजन्स हैं, जैसे कि बीमारी सिर्फ हड्डी के यहाँ पे ना हो के पूरे शरीर में फैलाव हो तो वो अच्छी बात नहीं है। उसमें से भी अगर दूसरे हड्डी में फैलाव हुआ है तो ये और भी बुरी खबर है। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर जिसको कहता है वो पुअर रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी। मतलब कीमोथेरेपी हम दे तो रहे हैं फुल पावर के साथ, बट उसका उतना अच्छा असर नहीं हो रहा है बीमारी पे। तो ये सब फैक्टर्स अगर इनमें से सब प्रेजेंट हो तो हम थोड़ा नेगेटिवली देखते हैं, क्योंकि इससे सर्वाइवल रेट्स कम हो जाते हैं। अभी ये सब तो ट्रीटमेंट की बात हो गई, बट अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी ऐसी है कि कुछ लोग को हम अपनी बेस्ट कोशिश के बावजूद भी हम बचा नहीं पाएंगे, या फिर जिनको अच्छे से सर्जरी, रेडिएशन, कीमो के बावजूद उनका बीमारी बढ़ रही है। तो एक पैलिएटिव केयर करके होता है, जिसकी ज़्यादा बातें लोग करते नहीं हैं, बट हमारे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। पैलिएटिव सर्विसेज या हॉस्पाइस सर्विसेज बोलते हैं इसकी, क्या होती है? पैलिएटिव मतलब जो आपकी सिम्टम्स हैं, दर्द हो रहा हो तो दर्द कम करना है, सूजन हो रही हो तो रेडिएशन देके सूजन कम करना है, ये ताकि आपका जो पेशेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल रहे। हॉस्पाइस सर्विसेज क्या बोलते हैं, जिसमें हमें पता है कि बीमारी बढ़ रही है, इसको ट्रीटमेंट करने के बावजूद ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ताकि पेशेंट्स के जो बचा हुआ टाइम है वो जितना कम दर्द उनको हो, जितने उनको आराम मिले, ये हम कोशिश करते हैं हॉस्पाइस सर्विसेज में। इससे पेशेंट्स और उनके साथ साथ रिलेटिव्स को साइकोलॉजिकल हेल्प जो लगती है वो भी देते हैं, ताकि स्ट्रेस कम हो, जितना कंफर्टेबल उनका स्टे रहे वो देखते हैं। तो ये था संक्षेप में इविंग सार्कोमा के बारे में। मुझे काफ़ी बार पेशेंट्स आते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं, जो मैंने एक लिस्ट बनाई है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, ये कैसे फैलता है, क्यों होता है, कैसे फैलता है। जैसे मैंने कहा क्यों होता है ये हम नहीं बता सकते, बट एक बार हमको समझ में आए कि क्या हुआ है तो हम उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट को ये अच्छा रिस्पॉन्ड करता है मेजॉरिटी टाइम्स। कैसे फैलता है, तो ये ब्लड के थ्रू काफ़ी बार मेजॉरिटी टाइम्स स्प्रेड होता है, और ब्लड के थ्रू ही लंग्स में या दूसरे हड्डियों में जाके स्प्रेड होता है। क्या ट्रीटमेंट डिफर करता है बच्चों में या एडल्ट्स में? तो जो मेन प्रोटोकॉल है वो सेम रहता है, कीमोथेरेपी, फिर सर्जरी, फिर बाकी की कीमोथेरेपी। जो डोसेज वगैरह है वो आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट तय करते हैं, और उसके साइड इफेक्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस इन चिल्ड्रेन एंड एडल्ट। सर्जरी भी हम चिल्ड्रेन और एडल्ट्स को उनके जॉइंट्स कौन सा अफेक्टेड है, कौन सा बोन अफेक्टेड है, उसके हिसाब से प्लान करते हैं, बट जो मेन प्रोटोकॉल है वो सेम रहता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि डज डिले इन ट्रीटमेंट अफेक्ट द ट्रीटमेंट? तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम 1-2 महीना रुकने के बाद ट्रीटमेंट करें, हमें कुछ और ट्राई करना है इस बीच में, तो हमने देखा है कि 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते से ट्रीटमेंट डिले हो जाए तो दिक्कत नहीं है, बट अगर महीनों तक डिले हो जाए तो बीमारी शरीर में फैलने के चांसेस ज़्यादा है, और इससे ट्रीटमेंट पे असर हो सकता है। बट अगर 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते से लेट हो जाए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट को अगर किसी ने बताया कि सार्कोमा है तो वो चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत ऑपरेशन हो ताकि ये बीमारी निकल जाए। तो ये हमको जानना ज़रूरी है कि उसका एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हमको फॉलो करना रहता है और उस हिसाब से जाना रहता है। एक बार ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, भले ही वो कीमोथेरेपी हो, सर्जरी हो, रेडिएशन हो, उसके बाद उसमें डिले नहीं होना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि एक साथ इमिजिएटली सर्जरी करना है, उसको हमको पहले जांचना होगा कि कितना फैलाव है और आगे के प्रोटोकॉल बनाने पड़ेंगे। आर माई रिलेटिव एट रिस्क, क्या मेरे रिश्तेदारों को हो सकता है? तो
ये बीमारी छूने से नहीं फैलती है, ना ही जैसे कि मैंने कहा ये पेरेंट्स टू चाइल्ड या चाइल्ड आपसे आपके माँ बाप से आपको, ये जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं होता, ये एक म्यूटेशन की वजह से हुआ है और इसको किस में होता है ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, बट ये आपसे दूसरों को नहीं होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने कई पेशेंट्स को देखा है जिनके फैमिली मेम्बर्स उनको छोड़ देते हैं एक बार उनको पता चल जाए कि ये सार्कोमा है, और फिर उनको ट्रीटमेंट लेने में दिक्कत होती है, और जिस बीमारी को हम शायद बचा सकते हैं उसमें भी दिक्कत आ जाती है। इज देयर एनी वे टू प्रिवेंट दिस? अभी हमने स्टडीज से देखा है कि सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, वेरी स्पाइसी फूड, बारबेक्यूड फूड से स्टमक कैंसर का चांसेस होते हैं, फिर कुछ केमिकल एक्सपोजर से ब्लैडर कैंसर होता है, बट बोन कैंसर को ऐसे कोई अब तक हमने जाना नहीं है कि किसके कारण होता है, तो हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि अगर आपको कोई दर्द है, कोई गठन है, तो उसका आप जल्द से जल्द जांच कराएं, ताकि अगर ये जो भी तकलीफ है हम जल्दी उसको ट्रीट कर सकें, बट इसको प्रिवेंट करने के लिए अभी तक फिलहाल हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो इस थोड़े से लंबे टॉक को यहाँ एंड करते हुए कंक्लूजन में पॉइंट्स हम बताएंगे। सेकेंड मोस्ट बोन कॉमन ट्यूमर ऑफ द चाइल्डहुड, इन्वेस्टिगेशंस में एक्सरे, फिर एमआरआई, फिर बायोप्सी और फिर स्टेजिंग, ये जानने के लिए कि टोटल बॉडी में कितना बीमारी का फैलाव है, फिर मैनेजमेंट में कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, तीनों के हेल्प से हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉलोअप, बिकॉज ये बीमारी हम जानते हैं वापस आने का खतरा रहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द टॉक, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और फिर हम उस डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगर लाइव सेशन में कुछ कमेंट्स में अगर डाउट्स हो तो हम उसको सॉल्व करेंगे। हाउ लॉन्ग कैन यू लिव विथ इविंग सार्कोमा, एक कॉमन क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। मैं जैसे कि हमने टॉक में बताया कि एक बार हमको इसको पता चल जाए तो हमें इसका ट्रीटमेंट कराना है, बट एक बार बीमारी निकल जाती है, कीमोथेरेपी अच्छा असर दिखाए, सर्जरी करके हम बीमारी निकाल दें और मेंटेनेंस कीमोथेरेपी कर दें,